बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किन केयर होम रेमेडीज़ बाय एमआर सनशाइन। होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज जो फेस पैक मैं आपके लिए लाई हूँ वो तमाम फेस पैक का गुरु है, मतलब वो तमाम फेस पैक का बाप है। इस एक फेस पैक के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं एक वीडियो में आपको गिनवा नहीं सकती। ईद में 2 दिन है और यह जादुई फेस पैक भारी भारी फेशियल को भी पीछे छोड़ने वाला है। पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं, और जो मेरी बहनें पार्लर नहीं जा सकती किसी भी वजह से, उनके लिए ये रेमेडी किसी ख़जाने से कम नहीं है। इस एक फेस पैक से आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ग्लो के लिए तो ये कमाल है, एक्नी को ट्रीट करती है, गर्मी से झुलसी हुई स्किन में जान डालकर इसको निकरा निकरा और गोरा बनाती है। इसके अलावा सन टैन को ख़त्म करती है, पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट है। लेकिन पिगमेंटेशन के लिए आपको इस रेमेडी को तकरीबन 15 दिन इस्तेमाल करना होगा, और इसके बाद आप खुद इसका फ़र्क बताएंगी। इसके 15 दिन के डेली इस्तेमाल से आपका कलर को भी ये गोरा करती है, और 100% ये रेमेडी गोरा करती है। अगर आप इस वीडियो के तमाम इंग्रेडिएंट मैंने साथ साथ मेंशन कर दिए हैं, और साथ साथ मैं आपको इसकी तमाम बेनिफिट्स के बारे में बता रही हूँ कि हमारी स्किन पर ये किस किस चीज़ के लिए काम करेगी रेमेडी, और हमें किस किस चीज़ को, हमारी किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ये इस तरह वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी ना हो, आप बोर ना हो, और मेरी वीडियो भी आपको समझ में आ जाए। और इस फेस पैक से स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है, और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जैसे बेबी स्किन है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। जो मेरी बहनें पार्लर जाती हैं वो तो ऑब्वियसली पार्लर ही जाएंगी, और जो किसी वजह से नहीं जा सकती तो वो इस फेस पैक को ज़रूर ये 2 दिन ट्राई करें। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए बनाया है क्योंकि ये ख़राब नहीं होता। मैं इसको बना के 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर लेती हूँ, और ये आपके फेस, नेक, हैंड और फुट के लिए 3 दिन के लिए ये फेस पैक काफ़ी है। और अगर आप इसे फुल बॉडी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो फुल बॉडी के लिए भी इतना फेस पैक काफ़ी है। अगर आप खाली फेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, किसी फंक्शन पर जाना हो, ईद है, अगर कोई भी आपका फंक्शन है जिस जहाँ पे आपको जल्दी जल्दी में जाना है, आप पार्लर नहीं जा सकती, तो आप इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इससे आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आपका मेकअप इतना ज़बरदस्त आपके फेस पर ठहरता है कि सारा दिन के लिए भी आपका मेकअप ख़राब नहीं होता। और अगर आप मेकअप ना भी करें तो भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन और ग्लो करती है। और ये रेमेडी करें, लेकिन उसको अपनी स्किन पर सख्ती से रब ना करें, इसको जस्ट अपने फेस पर अप्लाई करें और 2 मिनट बाद उसको वॉश कर लें। उसको अपने फेस पर आपने रब नहीं करना, इससे आपकी एक्नी भी ठीक होगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसके रिज़ल्ट देखकर मैं खुद हैरान रह गई थी, क्योंकि इसमें चावलों का आटा भी मैंने ऐड किया था, जिससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग और फेयर हो गई थी। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं या कोई सी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बायो ऑयल का कोई मिसाल दूसरी नहीं है। और ये पॉन्ड्स का जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है, इस जैसा भी कोई लोशन मुझे दूसरा नहीं मिला। और इसके इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन इस तरह से ग्लोइंग और फेयर हो जाएगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।